चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, वेयर सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ। यानी कि यहाँ पर इन्होंने इस इक्वेशन के रूट हमें दिए हैं अल्फ़ा बीटा, और पूछा है कि इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे। ठीक, तो जो इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। सॉल्व इन द सेंस जो ब्रैकेट है उसकी आप आपस में आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्लस ए बी, और ये जो सी है वो इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का सी और इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अच्छा, अगर इस इक्वेशन से हम इसके जो मूल हैं, जो अल्फ़ा बीटा इन्होंने हमें रूट्स दिए हुए हैं, अगर हम मूलों का योग निकालें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी। देखिए कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, पिछली काफ़ी सारे वीडियोस में ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि ये मूलों का योग, मूलों का गुणनफल किस तरह से निकालते हैं। ठीक, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी के साथ अगर आप मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी माइनस सी। ठीक, ये पूरा जो होती है एक्स के बिना वाली जो पूरी यूनिट होती है वो सारी सी में आती है, यानी कि जो सी पार्ट होता है उसमें आती है, थर्ड पार्ट इन द सेंस उसमें आती है, तो आपको जो गुणनफल लेना है वो पूरे के साथ लेना है। ठीक, चलिए, तो ये हो गई इस इक्वेशन की बात। अब मान लीजिए हम जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो आपकी है एक्स माइनस अल्फा, ठीक, और इनटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगी, किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स है या इसको आप इधर लगा लीजिए, ठीक, और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और ये जो सी है साथ में प्लस सी और इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ से ये ज़ीरो है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए हमने इनके मूल जो है वो कुछ भी मान लिए, जैसे कि m और n मान लिए, तो m प्लस n यानी कि मूलों का योग क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, m इंटू n क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, एम प्लस एन। तो हम ये कह सकते हैं कि एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी माइनस सी, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की आप वैल्यू रखेंगे जब, तो यहाँ से आपको मैं ऐसे ले लेता हूँ, जब यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी, और ये वाला सी लास्ट में आ गया प्लस सी, इसी से ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो m इंटू एन क्या हो जाएगा आपका, m इंटू एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी। ठीक, तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, एम प्लस एन इजिकल टू ए बी और एम इंटू एन इजिकल टू ए बी। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि एम इज इक्वल टू आएगा आपका ए और एन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी। तो
यहाँ पर हमने m और n को क्या माना था, जो दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है उसके मूल यानी कि रूट्स माना था, और इनकी वैल्यू हमें क्या मिली है, a और b मिली है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार आया है, एक बार TGT में और एक बार PGT में। देखो TGT वाले, ऐसा मत सोचना कि हम PGT वाले क्वेश्चन क्यों करें, वो हमारे काम के नहीं है। या फिर देखो उनसे दो चीज़ होंगी, पहला या तो वही क्वेश्चन आपको TGT में मिलेगा, और दूसरा कुछ लॉजिक्स या कुछ फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो PGT में यूज़ हुई हैं और फिर उनका एज इट इज़ यूज़ TGT में हो रहा है। तो आपको दोनों क्वेश्चंस पे इक्वली फोकस करना है, ऐसा नहीं कि आपने TGT का फॉर्म डाला तो आप TGT करें, दोनों क्वेश्चन करें, क्योंकि मैथ्स का लेवल 19-20 का अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता। दूसरी बात, PGT वाले भी TGT के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक, चलिए।